नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन के बारे में। जैसा कि यहां पर दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों का जो पेंशन का पैसा है दोस्तों वो अब यहां पर रुक गया है। तो यहां पर क्यों रुक गया है और किस लिए रुक गया है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पैसा जो है अभी सरकार के द्वारा जो योजना है तो उन्होंने काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, जिस कारण दोस्तों उनका पैसा जो यहाँ पर रुक गया है। काफ़ी लोगों का दोस्तों अभी जो आधार कार्ड से NPCI दोस्तों लिंक नहीं है और आधार शीडिंग नहीं है, इस कारण उन लोगों का पैसा यहाँ पर दोस्तों रुक गया है। कुछ लोगों का यहाँ पर आधार कार्ड जो है दोस्तों उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और EKYC उनका अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो जिस कारण उनका पेंशन जो है अभी रुक गया है और वो लोग यहाँ पर दोस्तों पेंशन से वंचित हो गए हैं। तो जब तक यहाँ पर दोस्तों ये लोग EKYC यहाँ पर और यहाँ पर आधार कार्ड अपनी बैंक से शीडिंग नहीं करेंगे तो इनका जो पेमेंट है अभी तक उनके अकाउंट में यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सरकार के द्वारा ये EKYC यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों ये पता लगाने के लिए EKYC यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वहाँ पर सबसे पहले अपना जो पेमेंट का पैसा है वो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आपको दोस्तों डालना है PFMS। तो ये दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर पेज जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको PFMS.NIC.IN की वेबसाइट यहाँ पर मिल गई है, इसी पर क्लिक करना है। अब इस प्रकार से पेज जो यहाँ पर दोस्तों ओपन हो जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अब रोजाना का यहाँ पर ट्रांजैक्शन है दोस्तों यहाँ पर डेली बाई डेली यहाँ पर दोस्तों शो हो रहा है और कहाँ कहाँ दोस्तों किस विभाग से जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जो क्या क्या रिलीज हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे कि आपको देखा गया है पेमेंट स्टेटस। अब यहाँ पर दोस्तों मनरेगा का पैसा चेक कर सकते हैं, PM किसान का चेक कर सकते हैं, NSP स्कॉलरशिप का कर सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको DBT स्टेटस ट्रैकर। तो इसी तो हम यहां पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इस प्रकार से पेज जो यहां पर ओपन हो जाएगा। अब आपको दोस्तों यहां पर दिखेगा क्या कि जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले आपको जो है यहां पर एक कैटेगरी जो है दोस्तों वो सेलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स यानी तो इस प्रकार की जो वेबसाइट है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर डालना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। सिर्फ यहाँ पर कैटेगरी में ए डालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ए से दोस्तों यही ऑप्शन आपको मिलेगा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पेमेंट्स पर ऐसे ही क्लिक करके रहने देना है। एप्लीकेशन ID डालेंगे और यहाँ पर दोस्तों OR का ऑप्शन मिलेगा, एंटर बेनिफिशियरी कोड नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन ID से ही काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन ID हमें यहाँ पर फाइंड है क्योंकि हमने यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर खोज के रखी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर दोस्तों अपनी वेबसाइट पर जाकर खोज सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चा कोड यहाँ पर हम डालना है, जैसे कि स्मॉल या कैपिटल दोस्तों जो भी है तो वो ही आपको यहाँ पर फिल करना है। सर्च का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसी ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करना रहेगा। हमने यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट जो यहाँ पर दिख जाएंगी, तो अलग अलग दोस्तों यहाँ पर पेमेंट जो यहाँ पर आपको दिखती हैं, कब पेमेंट यहाँ पर दोस्तों डालने की कोशिश हुई है, कब फेल्ड हुई है, तो सब कुछ यहाँ पर ब्यौरा यहाँ पर दिख जाएगा और कब यहाँ पर लास्ट पेमेंट आपके अकाउंट में दोस्तों क्रिएट हुई है और जो अकाउंट नंबर है कौन से अकाउंट में यहाँ पर क्रिएट हुई है तो वो भी आपको यहाँ पर दोस्तों दिख जाता है। UTR नंबर से भी दोस्तों आप अपनी बैंक के माध्यम से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको UTR नंबर भी मिल जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो 13 फरवरी 2024 को यहाँ पर दोस्तों रिक्वेस्ट डाली गई थी, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अप्रूव जो है एजेंसी द्वारा यहाँ पर पेमेंट की गई है और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट जो दोस्तों रिसीव बैंक में यहाँ पर दोस्तों 13 मार्च 2024 को इनकी पेमेंट इनके अकाउंट में यहाँ पर आ गई है। अभी मैं आपको दोस्तों यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन का जो स्टेटस जो है वो यहाँ पर चेक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों पेंशन इसी प्रकार से आप यहाँ पर दोस्तों चेक कर पाएंगे, क्योंकि अभी दोस्तों जिन लोगों की पेंशन अभी रुकी हुई है तो उन्हें दोस्तों सबसे पहले अपनी बैंक में जाकर आधार शीडिंग करना है, यानी आधार कार्ड को अपनी जो बैंक से लिंक करना है और DBT स्टेटस पर जाकर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर चेक करना है। और क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी काफ़ी लोगों का भी EKYC कंप्लीट नहीं हुआ है, EKYC यहाँ पर कंप्लीट कराना अनिवार्य है, क्योंकि आपके समाज कल्याण विभाग में भी दोस्तों जो फिजिकल EKYC यहाँ पर हो रही है, ऑनलाइन यहाँ पर दोस्तों अगर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर बायोमेट्रिक के जरिए भी दोस्तों EKYC कंप्लीट हो जा रही है, तो वहाँ भी आप अपना जो है ये पूरा EKYC का प्रोसेस जाकर आप यहाँ पर करा सकते हैं।
तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दोस्तों वीडियो आपको लिए हमेशा बना के लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।